हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्जाम गुरु। सिविल एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में जो है चैप्टर नंबर 1 को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज माई प्रोफाइल एंड आई एम प्रशांत, वर्किंग एज ए लेक्चरर इन GMB पॉलिटेक्निक राजूला, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड। इट इज़ मैनेज बाई गुजरात मेरीटाइम बोर्ड। If you have visited first time on my channel, you can subscribe my channel, and for your latest update, please press bell icon so that all the notification of latest video is reach up to you. Now let us move to the another next slide and see. बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, और जो फिफ्थ सेमिस्टर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया ये सब्जेक्ट है। और इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मटेरियल फॉर द कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए कौन कौन सा मटेरियल होता है, कौन कौन सा मटेरियल से कंक्रीट बनता है, तो कंक्रीट क्या होता है वहाँ से शुरू करेंगे, और उसके बाद सभी मटेरियल को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, ओके, उसके बाद फिर वाटर होता है, और उसके बाद हम लोग एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पांच मटेरियल का उपयोग हमें करना है क्या बनाने के लिए बच्चों, कंक्रीट बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा कंक्रीट को, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सीमेंट सबसे पहला बेसिक मटेरियल है कंक्रीट बनाने के लिए। हमारे पास ये नंबर ऑफ मटेरियल यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग। पहला जो होता है बच्चों, हम लोग यूज़ करते हैं सीमेंट को, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं सैंड, उसके बाद एग्रीगेट, उसके बाद वाटर, एडमिक्सचर और एयर, ओके। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अल्टीमेटली कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है ये जितने मटेरियल हैं उनके बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब ये कि जितना अच्छा स्ट्रेंथ इनके मटेरियल का होगा, उतना अच्छा जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ होगा। कंक्रीट दो प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है फ्रेश कंक्रीट, दूसरा होता है हार्ड कंक्रीट। तो जैसे आप ये सभी बेसिक मटेरियल को ऐड करोगे, तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो उस प्रकार के जो कंक्रीट बनेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेश कंक्रीट। और फ्रेश कंक्रीट का उपयोग हम लोग अपने पर्टिकुलर कॉलम में, बीम में, स्लैब में जब इसकी हम लोग कास्टिंग करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद 28 डे तक जो है कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ गेन करता है, 28 दिन के बाद उसकी जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर पाता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक वर्ड है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है, तो पेस्ट जो है बच्चों मिक्सचर होता है किसका किसका, सीमेंट एंड वाटर का। सीमेंट और वाटर को जो आप मिक्स कर दोगे तो जो उसका जो मिक्सचर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द पेस्ट इज टू बाइंड द सैंड एंड एग्रीगेट पार्टिकल बाय द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। पेस्ट का क्या फंक्शन होता है, तो पेस्ट जो है वो एग्रीगेट को और दूसरे पर्टिकुलर मटेरियल को क्या करता है, एक साथ बाइंड करवाने का काम करता है। कंक्रीट के अंदर सीमेंट का भी यही फंक्शन है। सीमेंट जो है एक बाइंडर के तरीके से काम करता है, ठीक है। सीमेंट जो है एक बाइंडर के, और सैंड, सीमेंट और वाटर को मिक्स करके हम लोग उसका क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल की तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक मटेरियल है कंक्रीट का वो है बच्चों सीमेंट, और इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सीमेंट जो है कैसे बनता है। तो सीमेंट बनाने के लिए हमारे पास दो प्रकार का मटेरियल चाहिए रहता है, एक होता है कैल्केरियस मटेरियल और दूसरा होता है एर्गिलेशियस मटेरियल। कैल्केरियस मटेरियल में लाइम, चौक और मार्ल का उपयोग होता है, और एर्गिलेशियस में जो है क्ले और शेल का उपयोग होता है। इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसकी बॉइलिंग करते हैं, मीन्स इसका बच्चों किल्न के अंदर इसको बहुत 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हम लोग इसको गर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग वाटर वगैरह ऐड करते हैं तो सीमेंट के नॉल्ट्स बन जाते हैं। सीमेंट के नॉल्ट्स को वापस से हम लोग
बॉल ग्राइंडिंग मिल के अंदर डाल के इसको पीसते हैं। पीसते समय हम इसके अंदर ऐड करते हैं 2 से 3% जिप्सम, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सीमेंट जो है एक पर्टिकुलर पाउडर के फॉर्म में बन जाता है, और इसको हम लोग सीमेंट बैग के अंदर ऐड करके 50-50 kg का हम लोग सीमेंट बैग जो है वो तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और जानते हैं कि हमारे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के कितने प्रोसेस हैं। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के हमारे पास दो प्रोसेस है बच्चों, दो प्रोसेस होता है, जिसका पहला है वेट प्रोसेस, दूसरा है ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस में हम लोग ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल कैल्केरियस और आर्गिलेसियस मटेरियल को ऐड करते समय उसके अंदर हम लोग वाटर भी ऐड करते हैं। ड्राई मिक्सचर के अंदर सबसे पहले हम लोग सभी मटेरियल को ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो जाके उसके अंदर जो है वाटर या फिर दूसरा पर्टिकुलर जो लिक्विड है वो उसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो स्टेप्स हैं, वेट प्रोसेस का और ड्राई प्रोसेस का। द फ्लो चार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रॉ मटेरियल कैल्केरियस और एर्गिलेसियस मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी। कैल्केरियस को हम लोग लाइम स्टोन और चॉक बोलते हैं, एर्गिलेसियस को क्ले और शेल बोलते हैं। वेट प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल हमने लिया, उसको क्रश कर दिया, क्रश करने के बाद उसको ग्राइंडिंग करके पूरा पूरा उसको हम लोग छोटे छोटे रूप में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वॉश मिल में प्रॉपर उसको वॉश करेंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे 35 से 50% वाटर। ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, वेट प्रोसेस है। फिर ये जो स्लरी है, स्लरी ऑफ रॉ मटेरियल इज मिक्स इन द स्टोरेज टैंक और सिलोस। तो उसके अंदर हम लोग स्टोरेज टैंक के अंदर ये पूरे स्लरी को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर उसको हम लोग किल्न के अंदर डालेंगे बच्चों। किल्न के अंदर उसका कैल्सिनेशन होगा, उसको इसके अंदर हीट प्रोवाइड करेंगे, और इस किल्न का जो टेम्परेचर होता है बच्चों 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाता है। फिर वो क्लिंकर का फॉर्म होगा, क्लिंकर एक छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं जिप्सम, 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं, ग्राइंडर और बॉल मिल के अंदर उसको घुमा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीमेंट के पाउडर को सीमेंट के बैग के अंदर 50-50 kg का भर देते हैं। ड्राई प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो सेम प्रोसीजर, रॉ मटेरियल लेंगे, उसको क्रश किया, उसको ग्राइंडिंग किया, उसके अंदर एयर से पास करवा के उसको और ड्राई करते हैं, और उसके बाद बच्चों हम लोग 15% जो है पानी ऐड करते हैं। फिर उसके अंदर जो है फ्लेक्स ऑफ मटेरियल जो है उसके अंदर ऐड करते हैं। किल्न के अंदर उसका जो है कैल्सिनेशन होता है, उसके बाद क्लिंकर फॉर्म होता है, फिर इसके अंदर भी जिप्सम ऐड करते हैं बॉल मिल में, और देन इसके बाद हम लोग उसका 50 kg का बैग बना के उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के दो प्रोसेस जो है बच्चों, आपको ये फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो डायग्राम है, दोनों आपको याद होना चाहिए, दोनों आपको पता होना चाहिए, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। फ्लो चार्ट जो है कभी कभी आपको एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद देखते हैं फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के 3 स्टेप हैं। पहला है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे, उसके बाद बर्निंग करेंगे, बाद में ग्राइंडिंग करेंगे, उसके बाद एडिंग करेंगे जिप्सम वगैरह, उसके बाद फिर उसको हम लोग पैकिंग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और ये आप देख पा रहे हो फ्लो डायग्राम है जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ही है, तो इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब कहीं से रॉ मटेरियल लेके आना रहेगा। फिर रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, फिर उसको हम लोग क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, फिर उसको मिलिंग के अंदर उसको पूरा ब्रेकिंग ब्रेक करेंगे, फिर प्री हीटिंग करेंगे, फिर प्रॉपर मिक्सिंग करने के बाद प्री हीटिंग करेंगे, फिर किल्न के अंदर डाल के पूरा का प्रॉपर हीटिंग करेंगे, फिर उसको कूल करना है, बाद में उसके अंदर ग्राइंडिंग करते समय जिप्सम ऐड कर देंगे, फिर स्टोरेज पैकिंग करवाएंगे, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये फ्लो डायग्राम भी आप बच्चों याद रख सकते हो, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ध्यान में देते हैं कि सीमेंट बनाते समय क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम लोग हीट करेंगे, स्मॉल लम्स फॉर्म हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉल्ट्स। जैसे हम लोग कैल्केरियस और एर्गिलेसियस मटेरियल को मिक्स करके प्रॉपर वे से ऐड करते हैं, जब हीट करते हैं तो बनता है नॉल्ट्स। हीटिंग डन एट 1500 डिग्री सेल्सियस टू 1700 डिग्री सेल्सियस। जो हीटिंग होता है वो 1500 से 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक होता है। एट द बर्निंग जो नॉल्ट्स एंड द कैल्सिनाइड्स प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इन टू स्मॉल बॉल नोन एज क्लिंकर। एट बर्निंग जोन, बर्निंग जोन के समय छोटे छोटे जो कैल्सिनाइड्स प्रोडक्ट बनते हैं और स्मॉल बॉल के अंदर वो कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लिंकर बोलते हैं।
साइज ऑफ द क्लिंकर इज 3 mm to 20 mm। और जो क्लिंकर बनता है उसकी साइज जो है वो 3 mm से 20 mm तक होती है। ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करते समय क्लिंकर को 2 से 3% जो है वो जिप्सम ऐड किया जाता है टू प्रिवेंट द फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट जो है तुरंत सेट ना हो इसके लिए हम लोग 2 से 3% जो है वो जिप्सम उसके अंदर ऐड करते हैं। फिर हम लोग सीमेंट के बैग के अंदर सीमेंट को भर देते हैं 50 kg बैग के अंदर। वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट बैग विल बी 0.035 m³। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपको इम्पॉर्टेंट है बच्चों, लास्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आता है हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक और जिसका नाम है ऑक्सीडेशन कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट। सीमेंट बनाते समय कौन कौन सा केमिकल जो है वो उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहला, सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल होता है वो सीमेंट का, लाइम का यूज़ करते हैं। लाइम का बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो सबसे ज़्यादा होता है 60 से 67% तक। उसके बाद आता है बच्चों सिलिका SiO2 जो 17 से 25% तक होता है। उसके बाद आता है एल्यूमिना Al2O3 जो 3 से 8% तक होता है। उसके बाद आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 जो 0.5 से 6% तक होता है। उसके बाद मैग्नीशिया है MgO जो 0.5 से 4% तक होता है। इसके बाद एल्कली है K2O और मतलब पोटेशियम डाई पोटेशियम ऑक्साइड और डाई सोडियम ऑक्साइड 0.3 से 1.2%। और उसके बाद सल्फेट होता है जो 1 से 3% के बीच में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहला होता है लाइम जो सबसे ज़्यादा होता है 60 से 67% तक, सिलिका जो होता है वो 17 से 25%, एल्यूमिना जो होता है 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड जो है वो 0.5 से 6%, मैग्नीशिया जो है वो 0.5 से 4%, एल्कलीज जो है वो 0.3 से 1.2%, और सल्फेट जो है वो 1 से 3% के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसमें ये जो एडिंग है उसका नाम है बॉक्स कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सीमेंट के अंदर ये जो चार बॉक्स कंपाउंड हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका फुल फॉर्म और इसका परसेंटेज आपको पता रहना चाहिए। तो पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको हम लोग दिखाते हैं C3S से जो 30 से 50% के बीच में होता है। दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसका नाम है C2S जो 20 से 45% के बीच में होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जिसको एब्रीविएशन किया गया है C3S से, और जो 8 से 12% होता है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरिट जो है C4AF होता है जो 6 से 10% के बीच में होता है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट बच्चों सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो यही दो से होती है, किससे? ट्राई कैल्शियम और डाई कैल्शियम। और वो भी ट्राई कैल्शियम जो है वो अर्ली स्ट्रेंथ देने के लिए यूजफुल होता है, डाई कैल्शियम जो है वो बाद की स्ट्रेंथ देने के लिए यूजफुल होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ डिपेंडेंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर बॉक्स कंपाउंड है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स कंपाउंड, सबसे पहला है C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। पहले 7 दिन की स्ट्रेंथ जो है, फर्स्ट 7 डे का स्ट्रेंथ जो है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से होता है। इट प्रोड्यूस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा डेवलप करती है। ए सीमेंट विथ मोर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कंटेंट इज बेटर फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग। तो ऐसा सीमेंट जिसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है वो कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग मतलब कि ठंडी के मौसम में या फिर ठंडे प्रदेश के अंदर जब आपको कॉन्क्रीटिंग करनी है तो आप जो है इस प्रकार के सीमेंट का उपयोग कर सकते हो जिसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होता है। इसके बाद आते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की तरफ। तो हाइड्रेशन ऑफ C2S स्टार्ट आफ्टर 7 डेज। C2S मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो हाइड्रेशन होता है वो 7 दिन के बाद शुरू होता है। हेंस इट गिव्स द स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज। इसीलिए जो है जो स्ट्रेंथ ये देती है वो 7 दिन के बाद की जो स्ट्रेंथ है वो हमें डाई कैल्शियम सिलिकेट से मिलता है। C2S हाइड्रेट्स एंड द हाइड्रेंस स्लोली एंड प्रोवाइड मच ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ।
तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको मिलता है वो कौन देता है बच्चों? आपको C2S देता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, इट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो C2S जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती है, बट C3S जो है वो ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप करता है। C3A, द रिएक्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विथ वाटर इज वेरी फास्ट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का पानी के साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही जल्दी से हो जाता है। इट मे लीड टू एन इमीडिएट स्टिफनिंग ऑफ द पेस्ट एंड इट इज अ कॉल्ड फ्लैश हिट। इमीडिएट स्टिफनिंग मतलब जब कोई पेस्ट है इसके अंदर और इसके अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा है तो उसकी स्टिफनिंग जो है वो जल्दी से हो जाती है और उस सेट को हम लोग बोलते हैं फ्लैश सेट, मतलब तुरंत सेट हो जाना। टू प्रिवेंट द फ्लैश सेट 2 to 3% ऑफ जिप्सम इज एडेड एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर। तो जब हम फ्लैश सेट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग 2 से 3% हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं। हाइड्रेटेड C3A डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। कोई भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कॉन्क्रीट को या फिर सीमेंट को। चौथा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट हाइड्रेट रैपिडली, बहुत जल्दी से ये जो है हाइड्रेट होता है। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ के अंदर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का हाइड्रेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए कितना परसेंट पानी की जरूरत पड़ती है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट व्हेन इट इज मिक्स विद वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। जब सीमेंट को पानी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे, जब हम लोग सीमेंट को पानी के अंदर ऐड करेंगे तो सीमेंट और वाटर के बीच में एक रिएक्शन डेवलप होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। हाइड्रेशन इज कलेक्टिवली टर्म डिस्क्राइबिंग द केमिकल एंड द फिजिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस बिटवीन द सीमेंट एंड वाटर। तो सीमेंट और वाटर के बीच में जो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स आर प्रोड्यूस एंड द रिजल्ट इन टू द हार्ड मास एंड दिस हार्ड मास इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सीमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर से हीट जो है निकलती है। तो जैसे आप क्या करोगे, जैसे ही आप सीमेंट के को पानी के अंदर ऐड करोगे तो सीमेंट और वाटर के बीच में जो रिएक्शन डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के समय जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर से हीट जो है वो जनरेट होती है। हाइड्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू स्टिल द हीट एंड द मॉइस्चर्स आर अवेलेबल इन द सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। हाइड्रेशन जो है सीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द हाइड्रेशन, सीमेंट के प्रॉपर हाइड्रेशन होने के लिए कितना परसेंट पानी की जरूरत पड़ती है। अबाउट एन एवरेज 23% ऑफ द वाटर बाय द वेट ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। कोई भी सीमेंट हो, कोई भी पोर्टलैंड सीमेंट हो, उसको प्रॉपर कंप्लीट हाइड्रेशन होने के लिए हमें जो है 23% पानी की जरूरत पड़ती है। दिस वाटर कंबाइन केमिकली विद द सीमेंट कंपाउंड, ये पानी जो है सीमेंट कंपाउंड के साथ केमिकली बाइंड हो जाता है। सम क्वांटिटी ऑफ वाटर अबाउट 15% बाय द वेट ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द सीमेंट जेल प्रोसेस। तो सीमेंट जेल बनाने के लिए, सीमेंट जेल प्रोसेस करने के लिए या फिर वॉइड्स को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा 15% पानी की और जरूरत पड़ती है। तो टोटल वाटर जो है वो 38% ऑफ वाटर बाय द वेट ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर होने के लिए 38% पानी की जरूरत तो पड़ती ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरह। और इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर फॉर द केमिकल रिएक्शन विद द पोर्टलैंड सीमेंट इज गिवन बिलो।
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए 24% पानी चाहिए, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट के लिए 21%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के लिए 40% और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट के लिए 37% जो है पानी की जरूरत हमें पड़ती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और पहली बार यदि यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।